जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पेप स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे को आपको पहले से ही पता है, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है, उसकी अब तक हमने दो वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आगे की वीडियो आपको अब मिल जाएगी। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पीछे हमने आपको बेसिक सभी को बेसिक जो इसके हमारे कंसेप्ट थे वो भी सब कुछ करा दिए हैं। आज उसके कुछ मतलब पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, आज उससे आगे के क्वेश्चन जो चलेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझो। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल वेब स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता। ऑप्शन दिया है हमारा 2.5% लॉस, 2.5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट या 5% लॉस। ठीक है दोस्तों, जो हमने कल पीछे प्रीवियस वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे की हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको कल भी बताए थे, एक बार और हम आपको रिपीट करा दे रहे हैं। यानी क्वेश्चन में कहा है, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। हमेशा मैंने आपको बताया कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको 100% मान के चलते हैं, यानी कि जो CP होगा हमारा उसको कितना मानेंगे हम, 100। जब ये 14% के लाभ पर बेची जा रही है यानी कि 100 से 14% के प्रॉफिट पे गए तो कितना हो जाएगा, 114 भाई, 100 में 14 ऐड कर देंगे तो 114। ये 14% के लाभ पर बेची गई तो उसको 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यदि उसको 8% की हानि होती कब, जब 121 रुपये कम में बेचा जाता, यानी कि 8% की यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया 14% का और यहाँ पे हानि, यानी कि 100 में से 8% की हानि होगी तो कितने रुपये में बेच दिया हमने, 92 में, तो कितने रुपये कम में, 121 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक का दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा भाई, 8 और 14 कितने हो गए हमारे, 22, यानी कि 22। ये जो 22 यूनिट कितने के बराबर है, कितने रुपये कम में बेची, यहाँ पे बेच दी हमारी 121 रुपये कम में। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 121 बटे 22, 11 दूनी 22, 11 11 121, यानी कि एक यूनिट कितनी होगी हमारी, 11/2। हमें पूरा क्या चाहिए, 100% यानी CP, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो गया, 2 से काट दिया कितनी बार, 50 बार, 11 5 55, यानी कि यहाँ से हमने सबसे पहले क्या निकाली, कॉस्ट प्राइस। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 550 रुपये। अब आगे कहा, यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 550 रुपये की वस्तु को यदि वह 536.25 रुपये में बेचता है तो हमें हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, हमारा कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 550 और सेलिंग प्राइस कितना है, यानी इतने रुपये में बेचे जा रहा 536.25। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमें पता लग गया कि लॉस ही होगा, तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाया तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 13/7 और 5। ठीक है जी, और दो अंक के बाद पॉइंट है तो दो अंक के बाद पॉइंट अपॉन 550 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी, 550 दो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी हो जाएगा 1375/55। अब इसको काट लो, 11 5 11 से काटा 5 बार, 11 1 11 11 2 22 11 5 55। ठीक है जी, यही तो हुआ, ये यहाँ से काटा हमने, दोबारा देख लो, 11 1 11 11 2 22 11 5 55, और ये इससे कट गया तो इससे आगे फिर क्या हो जाएगा, इससे आगे आ जाएगा हमारा 125/5, 5 2 10 और 5 5 25। ये सॉरी यहाँ पे जीरो भी थी, यानी यानी कितना बच गया, 50, ये भी 50। तो जब ये 50 होगा, यानी एक पॉइंट था, इस जीरो से पॉइंट लगा देंगे हम सीधा सीधा यहाँ पर, तो अब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.5% का हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, एक बार और देख लो। यानी कोई वस्तु थी जब उसको 14% के लाभ पर बेचा, यानी पहले 14% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो उसको 8% की हानि होती। ठीक है जी, यदि वह वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमको बताना था। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, 14% के लाभ पर बेच रहे तो कितने में बेचेंगे, 114 रुपये में। जब 8% की हानि में बेचेंगे तो कितना, 92 रुपये में। यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये कम में बेची, 22 यूनिट किसके बराबर, 121 के। यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 555, और CP हमें बेचना इतने पे, SP इतना हो गया। यहाँ से हमने लॉस्ट प्राइस निकाल लिया कितना आ गया, 2.5% का उसको लॉस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 100 रुपये में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है, यदि इस वस्तु को Y रुपये में बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ P% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस हमेशा हम CP मानते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कितना होता है हमेशा 100%। ठीक है जी, कितना होता है 100%। जब इस वस्तु को 100 रुपये में बेचते, यानी हमने ये बेच दी 100 रुपीज़ में, तो हमें क्या होता है, L% का लॉस होता है यानी हानि होती है। जब हम इसको Y रुपीज़ में बेचते हैं, जब हम इसको Y रुपये में बेचते हैं तो हमें P% का प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। यदि मैं यहाँ से ऐसे करते हैं, देखो जी इसको इधर ले गया, यानी Y-X ये इधर चले गया, Y-X इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा P+L%, ये हो गया ना। इसको इधर लेके गए और इसको इधर, यहाँ से ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% यानी Y-X/P+L। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा 100%, तो 100% दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा Y-X/P+L। इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। समझ आ गया होगा या नहीं। देखो कॉस्ट प्राइस हम हमेशा कितना मानेंगे, 100%। जब हम इसको 100 रुपये में बेचते हैं तो हमें हानि होती है, जब हानि होती है यानी कि इधर जाते हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है तो इधर, यानी कि Y रुपये में जा रहे थे, Y रुपये में बेच रहे तो P% का प्रॉफिट हो गया। यानी क्या किया हमने, यहाँ से इनका रिलेशन यानी इसको इधर लेके चले गए और ये आ गया हमारा इधर, यानी क्या हो गया हमारा Y-X=P+L%। यहाँ से हमने क्या किया, 1% की वैल्यू निकाल ली, एक की निकाल ली तो हमें निकालनी थी 100 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यही हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु 16.25% हानि की बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी 1533 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का CP ज्ञात करें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझो। एक वस्तु जब 16.25% का मतलब होता है 1/6, इतने रुपये मतलब इतने प्रतिशत की हानि की बजाय जब वो 12.5% लाभ पर बेचता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो आदमी इतने रुपये अधिक प्राप्त करता है तो उस वस्तु का CP ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन में हम CP क्या मानते हैं, जो इन दोनों संख्याओं का LCM। यहाँ से हम CP मान लेंगे, 6 और 8 का LCM कितना हो गया, 24। माना हमने CP कितना हो गया हमारा, 24 है। जब यानी 24 को 1/6 यानी कि 16.25% की हानि पर बेचते हैं तो यानी कि इसका 24 कितना, 4 6 24 -4 यानी कि 4%, यानी कि माइनस के 4 हानि पे बेचते हैं, उसके बाद 12.5% लाभ, यानी कि 24 का ये हो जाएगा 8 या 24, यानी कि कितना, 3 8 24 3%, यानी कि हो गया 12.5%, यानी कि 24 का 3 कितना आ गया हमारा, 3। तो हमें कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 1533 रुपये, यानी कि -4 से जब हम 7 तक पहुंचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे हमें, -7 से 4 से और 3 तक गए तो कितने, 7, और 7 यूनिट किसके बराबर है, 1533 के, यानी कि इसका कितना गुना है, 7 × 14। ठीक है दोस्तों, 7 × 14 1, और 7 × 7 = 7,
और क्योंकि हमारे 13 यानी 6 सात नहीं 63 यानी कितना हो जाएगा 219 गुना। तो हमें निकालना क्या था वस्तु का सीपी, सीपी हमने माना कितना है 24, यानी कि ये भी इतना कितना गुना हो जाएगा 219 गुना। अब इन दोनों के गुना 9 चौक 36, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। अब 6 कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बचा ये, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 5256 रुपये उसकी क्या होगी कॉस्ट प्राइस, यही हमारा आंसर। समझ आ गया होगा, देखो कैसे क्या, यानी कि जब 16.5 / 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचते हैं तो हमें 1533 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे। 16.5 / 2/3% होता कितना 1/6, 12.5% कितना होता 1/8। हम क्या करेंगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसको सीपी मान लेंगे, सीपी मान कितना लिया हमने 24, कितना मान लिया 24। अब इसका यानी कि 24 का 16.5 / 2/3% कितना होता है 4, जब हानि हो रही तो माइनस, और जब 24 का 12.5% कितना होता है 3, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा तो प्लस, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर 7 का, 7 यूनिट कितने के बराबर 1533 के, यानी इसका कितने गुना 219 गुना। तो इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस भी 24 × 219, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5256। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.50 अधिक रुपये में बेचा होता तो एक्स प्रतिशत लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है तो एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझो। एक आदमी ने कुर्सी 13% के लाभ पर बेच दी, यदि उसने इसे 607.50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे एक्स परसेंट का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है तो एक्स का मान क्या होगा। देखो इसको करने से पहले एक चीज़ समझो, मान लिया हमने किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपये है, ठीक है जी, इस पर पहले से ही 10% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। यदि इसको अब यानी कि जो लागत मूल्य है, यदि इसको अब हम मान इसको 80 रुपये और अधिक में बेच दिया जाए, 80 रुपये और अधिक में बेच दिया जाए तो ओवरऑल हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन इस लैंग्वेज में इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, उस पर पहले से ही 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि वे कॉस्ट प्राइस से 80 रुपये और अधिक में किसी वस्तु को बेचे तो ओवरऑल कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ पे इतने रुपये और अधिक में बेच दें, यानी सेलिंग प्राइस कितना 580 हो जाएगा, तो प्रॉफिट पहले वाला 10 तो ये ऐसी की ऐसी हो गया हमारा, प्लस यहाँ से कितने का 80 बटे कितना 500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस तरीके से हम ओवरऑल यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम ऊपर यूज करते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक कुर्सी पर 13% का लाभ तो पहले से ही हो रहा है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, यानी कि 13% प्रॉफिट तो पहले से हो रहा है। यदि उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेच दिया तो x परसेंट का और लाभ हो जाता है, तो कुर्सी का लागत मूल्य इतना दिया है तो हमें x की वैल्यू निकालनी, यानी कि ओवरऑल हमें x परसेंट यानी कि ओवरऑल परसेंटेज निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालो जी। 13 तो ये ऐसी हो गया, अब अभी हमने बताया था कितने पर, और जी हमें कितने रुपए अधिक बेच रहा, कितने रुपए अधिक पर बेची 607.50 लागत मूल्य कितना है 3750 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100, बस छोटा सा कंसेप्ट, इसको यहाँ पे प्लस इसको कर लो, यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी 2 जीरो से ये दो ये पॉइंट कट जाएगा, यानी कितना 13% प्लस 607, ये जीरो से जीरो और 5/375। ठीक है जी, इसे इसको काटेंगे, कितनी बार चल गया एक बार, कितने बच गए हमारा, फिर उसके बाद चल जाएगा कितना, यानी कि 375, इसमें से इसको घटा देंगे 2, और फिर यहाँ से कितना हमारा 10 3, और यहाँ पे ये बच गए हमारे 2 और फिर 5, यानी कि 375 ये कितनी बार चल जाएगा इसमें 6 बार, और फिर आगे कितना, यानी कि ये हो जाएगा 12। अब इसको यहाँ से देख लो, इतने यानी कि 13
और 16 29 29 आसपास में है। हाँ, तो यानी कि इतना ही कर लो, यहाँ से पता लग जाएगा हमारा जो ऑप्शन कितना होने वाला है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व मत करो आप, क्योंकि हमें जो टाइम बचाना होता है तो इसी तरीके से कम कैलकुलेशन करके ही अपना आंसर निकालने की कोशिश किया करो। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट था, इसको अच्छे से समझ लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि वस्तु को 134.40 में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा, या 12% का गेन यानी कि प्रॉफिट होगा, 12% का लॉस होगा, 10% का लॉस होगा, या 15% का गेन यानी प्रॉफिट होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारे ये दे दिए, तो बताओ हमें क्या इसका आंसर आएगा। बढ़ते चलो क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी 15% होता क्या है हमारा, 15% कितना होता है हमारा, 15% होता है हमारा कितना जी बताओ, 15% आप निकाल लो चाहे किस तरीके से, 15/100 करके आप इसको निकाल भी सकते हो, तो ये कितना होता है हमारा, 3/20। ठीक है जी, कितना होता है हमारा, 3/20। अब जब इसको 102 रुपये में बेच रहे तो 15% की हानि हो रही है, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम कितने मानते हैं, 20 रुपये मानते हैं, तो 20 का 15% कितना होता है, 3, यानी कि 20 पे 3 रुपये की हानि होगी, तो कितने रुपये में बेच दिया हमने, 17 रुपये में, कितने में, 17। तो ये 17 यूनिट कितने के बराबर दी है, 102 के, कितने के, 102 के, इसका कितना गुना, 17 × 6 = 102। तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी कितना, 6 गुना हो जाएगा, यानी कितना, 120 रुपये। यहाँ से यानी सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 रुपीज़। उसके बाद इसको सेलिंग प्राइस कितने रुपये में सेल कर दिया गया, सेल किया है यानी कि 134.4। ठीक है जी, इतने रुपये में सेल कर दिया गया, तो हमें बताना पूरे सौदे में हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस। अब देख लो, कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस 134.40 है, तो हमें हमेशा यहाँ पे दिख रहा है 120 से 134 ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है। कितने का, यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 14.4 / कितना, 120 × 100, 10 से 10, इस 0 से ये पॉइंट, यानी कितना हो गया, 144/12, 12/12, 144। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है हमें, यानी कि 12% गेन हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया, यदि वह उसे 1955 रुपये में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। ऑप्शन है हमारा, 6.5% हानि, 6.5% लाभ, 6% लाभ, 6% हानि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे चार ऑप्शन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे करेंगे, दिया है जब 2300 रुपये में रेखा सामान बेचती है तो उसको 25% का लाभ होता है, 25% यानी कितना होता है, 25% होता है 1/4। ठीक है, नहीं चार, जब चार कोई वस्तु 4 रुपये की थी, 4 पे 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाता है, तो कितने रुपये में बेच देती है, 5 में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5 यूनिट कितने के बराबर है, 2300 के, कितने के बराबर है, 2300 के। ठीक है जी, यानी इसका कितने गुना, 5 × 20 × 5 × 30 = 460 गुना। तो कॉस्ट, यहाँ से हमारा जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य वो भी कितना हो जाएगा, इसका 460 गुना, यानी 0 × 6 = 24 का, 4 × 4 = 16 और 18, ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया हमारा, 1840। अब कोई वह रेखा क्या करती है, 1840 रुपये की वस्तु को 1950 रुपये में बेचती है, यानी कि यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 1955 रुपये। तो कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1840 से 1955 में बेचा तो कितना, 115 का, कितने पर, 1840 पर। परसेंटेज के लिए प्रॉफिट परसेंट होया यहाँ पे, तो 100 × 1 10 से 10, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट गया 92, 23 × 92, 23×5 कितना हो जाएगा, 115, यानी कितना हो गया हमारा, 5×25 = 4, 4×6 = 24 पॉइंट लगाया, उसके बाद क्या बच गया हमारा, 1 × 4 = 8 और 4×5 = 20, यानी हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, गेन हमें है 6.25%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर जब 125,280 रुपये में बेचा जाता है तो इसे बेचने वाले व्यापारी को 13% का नुकसान होता है, यदि उसके हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत की गणना करें अगर वह इसे
1,60,560 रुपये में बेचता है। ऑप्शन है हमारे 10% का प्रॉफिट होता है, 11.5%, 12.5% और 10.5%, इस तरीके के ऑप्शन दिए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम पीछे से करते आ रहे हैं, इसको भी करो। कैसे करेंगे, एक फर्नीचर इतने रुपये में बेचा जाता है तो उसको 13% का नुकसान होता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा। पीछे हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन बता दिए थे, यानी कि जब सेलिंग प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, ये तो था हमारा SEP = SP 100/100 ± प्रॉफिट या लॉस, इस तरीके से हमने आपको ये बताया था। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे यानी कि CP = ये हो जाएगा हमारा 125,280 × कितना 100/13% का नुकसान, यानी 100 में से 13 घटा देंगे तो कितना 87। यहाँ से हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, CP आ गया। उसके बाद आगे कहा है यदि उसके हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत की गणना करनी है अगर वह इसे 1,60,560 रुपये में बेचता है। यहाँ से यानी सेलिंग प्राइस भी आ गया हमारा, यानी कि ये हमारा यदि मैं यहाँ से सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालूँ तो कितना हो जाएगा। इसको आप चाहे इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, यानी कर लो, जो कटता है उसको काट लो, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी, तो ये कट जाएगा हमारा कितने 29 से 29 दिया और इसको 29 से काटो, 29 × 4 = 116, फिर हो जाएगा हमारा 116, उसके बाद कितनी बार चलेगा, ये चल गया 116, यानी कि कितना 15 + 7 = 15 = 9 और 2 = 29 और उसके बाद में 29 दूनी, ठीक है। जब 3 से और काट लो उसको, 3 × 3 3 × 12 3 × 12, यानी कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1,44,10 ये और 10 ये और यहाँ से ये 0.56, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको कर लो, कितना इसका अंतर आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, आगे काटना आगे काट लो, ये यहीं से निकाल सकते हो आप। इसको यहाँ से निकालोगे यानी इसमें से इसको घटा दो, ये बच गया हमारा 6 से 5 और जी ये 6, ठीक है जी, ये यहाँ पे एक 4 और है इस तरीके से, इधर 6 यहाँ पे 5 1, यानी कि 6556 रुपये का हमें क्या हो गया प्रॉफिट, कितने पर ये 6500, एक मिनट, ₹1656 का कितने पर × 100 प्रॉफिट परसेंट के लिए 20 से 20, यानी कितना 156,144। इसको काट लो, कितने से कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, 12 ऊपर देखो, 12 × 12 4 बज गए, 12 × 3 = 36 और यानी के कट जाएगा ये, यहाँ से कट के पूरा कितना आ जाएगा 111.5 कितना 5%, यानी कि सॉरी ये आएगा हमारा इतना बस 11.5%, इससे इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 11.5%, ये इतना क्या हो जाएगा प्रॉफिट यानी लाभ। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप देख लेना और कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये हमारे एक अच्छा टाइप है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से समझना। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता तो उसको 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि जब जो यानी कि वस्तु का बिक्री मूल्य जो है उस पर बेचा जाता है, यानी कि मूल बिक्री पर, यानी कि जो वास्तविक उसका मूल्य है उस मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य, पता नहीं भैया निश्चित मूल्य तो कुछ भी हो सकता है, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाए। भाई 80% क्या होता है हमारा, 80% यानी कि 80/100 यही तो होता है, इसको काट लिया कितना हो गया हमारा 4/5, 80% कितना आता है हमारा 4/5। मैंने मान लिया वो निश्चित मूल्य क्या है 5 है, निश्चित मूल्य क्या मान लिया मैंने, सर्टेन प्राइस 5 रुपीज, निश्चित मूल्य 5 है, जब 5 का 80% कितना होता है 4, यानी जब उस वस्तु को 4 रुपये में बेचा जाता है तो कितने रुपये का हमें कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है,
10% का नुकसान होता है, यानी कि चार, जब हर चीज़ कितनी कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, यानी कि 100 में से 10% का नुकसान हो गया तो बेच कितने पर दी, 90 का, यानी कि इसका कितने गुना भाई, इसकी 22.5 गुनी तो हो गई है। जब हम इसको मूल बिक्री के मूल्य पर बेचते हैं, यानी कि कितना मूल निश्चित मूल्य पर बेचते हैं, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमको बताना था, यानी कि 5 ही है निश्चित मूल्य, कितना माना 5, यानी 5 का कितने गुना 22.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 22.5 गुना, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 12 = 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11, यानी कितना हो गया 100, ये हो गया हमारा 112%, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है हमें, कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं हम 100 से कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 12.5% का, यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक अच्छा सवाल था, एक बार और देख लो, किसी भी जो निश्चित मूल्य होता है ना, निश्चित मूल्य पर कोई वस्तु बेच दी, अगर निश्चित मूल्य के 80% पर उस वस्तु को बेचा जाता है तो हमें कितना 10% का नुकसान होता है। हमने निश्चित मूल्य क्या मान लिया 80% का, हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 4/5, तो निश्चित मूल्य हम क्या मानेंगे 5, निश्चित मूल्य क्या हो गया हमारा 5, जब निश्चित मूल्य का 80% कितना होगा 4, जब 4 रुपये में किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें 10% का नुकसान होता है, यानी कि 10% का नुकसान हो रहा, तो कितने में बेच रहे हैं 90 में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, ठीक है, ये इसका कितना गुना 22.5 गुना, तो निश्चित मूल्य का भी 22.5 गुना कितना 112.5, यानी कि 100 से ये कितना अधिक है 12.5, तो इतना ही 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 54.6/11% पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है, जब इसे 100 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ऑप्शन ए 44%, 43%, 48% और 39%, ये हमारे ऑप्शन है। देखो जी कैसे करेंगे, कोई वस्तु है जब 100 रुपये में बेची जाती है तो यदि इस कीमत के 54.6/11% पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है, यानी 54.6/11% होता कितना है हमारा, कितना होता है 6/11, ठीक है जी, यानी कि जब हमने मान ली वह, यानी कि x की वैल्यू कितनी मान ली 11 मान ली, यानी कोई वस्तु जो 100 रुपये में बेची जा रही है वो x की जगह कितने 11 रुपये में बेचती, 11 × 54.6/6% कितना होता है 6, यानी कि जब जिसको 6 रुपये में बेची जाती है तो कितने परसेंट की हानि होती है 22%, कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं 100, यानी कि जब 100 में से 22 घटा देंगे तो कितना 78, इसका कितने गुना 13 गुना, 13 × 6 = 78, तो कॉस्ट प्राइस भी यानी कि जो x हो जाएगा वो भी कितना 13 गुना, कितना 13 × 13 और 13 × 13 = 14, यानी कि यहाँ पे जो हमारे कितने रुपए में बेच दी 143 में, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 100, बेच कितने में दी 143 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया हमारे 43% का, दैट इज आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, पीछे की तरह ही क्वेश्चन था, इसी को भी इसी प्रकार कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाता है तो 33.3% की हानि होती है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, ये CGL मेंस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसका ऑप्शन देख लो, ये रे हमारा ऑप्शन ए 17.3%, ऑप्शन बी है 33.3%, सी 20% और डी 30%, तो आप हमें इसका कमेंट करके आंसर बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो, क्योंकि ये पीछे वाले कंसेप्ट पर ही बेस क्वेश्चन है, तो आप हमको इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, एक बार हम आपको करा देते हैं और अपना आंसर मैच कर लेना। का एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि यह इस मूल्य के 33.3 पर बेचा जाता, निश्चित मूल्य मान लिया हमने कुछ वस्तु का कोई निश्चित मूल्य है, उस निश्चित मूल्य के 33.3 में बेचा जाता तो 33.3% की हानि होती, वास्तव में 33.3% होता है हमारा 1/3, हमने मान लिया जो निश्चित मूल्य है, यानी सर्टेन प्राइस 3 है, अब 3 का 33.3% कितना होता है 1, जब इसको यानी कि 1 रुपये में बेचा, यानी कि 1 में बेचा जाता है तो हमें 33
1/3% की हानि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस 100 में से 33 से 1/3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य तो कितना, यानी 66 से ही 2/3%, यानी जब 1 रुपये में बेचे तो इस प्रकार हो जाएगा। जब इसको निश्चित मूल्य के 60% में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा, निश्चित मूल्य 3 का 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/0 से 1/36 18 यानी कि 1.8, यानी कि जब इस वस्तु को 1.8 रुपए में बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 यूनिट = 66 / 2/3% 66 / 2/3% आज होता क्या है हमारा, ये होता है हमारा कितना 200/3, यही तो होता है हमारा 200/3। तो हमें कि 1 यूनिट की वैल्यू 200/3, हमें चाहिए कितना 1.8, यानी कि 1.8 यूनिट कितना हो जाएगा 200/3 मल्टीप्लाई 1.8, यहाँ से इसको भाग कर लो, 36 18 यानी ये कितना 3 6 18, ये हो जाएगा 10 से ये पॉइंट हट जाएगा और 20 6 120, यानी कितना हो गया हमारा 120 रुपये में हम उसको बेच देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना माना हमने 100, तो कितना हो गया यानी कि 100 पैसे 120 पे गए तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 20% का, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके, एक बार और देख लो, 33 1/3 कितना होता है 1/3, निश्चित मूल्य क्या मान लिया हमने 3, जब निश्चित मूल्य के 1/3% में किसी वस्तु को बेच रहे तो हमें 33 1/3% की हानि होती है। हानि किस पर होगी, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, जब 100 में से हमें 33 1/3% की हानि होगी तो कितने रुपये में बेच दी 66 / 2/3%, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 66 / 2/3% के इक्वल आ गई। और आगे कहा है जब वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाने पर तो लाभ, यानी कि जो वास्तविक यानी कि निश्चित मूल्य है हमारा 3, इसके जो 60% पर हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यानी कि 3 का 60% कितना होता है 1.8, 1 यूनिट = 200/3, यानी क्योंकि 66 से ही 2/3% होता है हमारा 200/3, 1 यूनिट = इतना, तो हमें चाहिए 1.8 यूनिट की वैल्यू, 1.8 यूनिट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दी तो कितना आ गया हमारा 120 आ गया, यानी 100 से कितना अधिक हो गया हमारा 20 अधिक, यही हमारा क्या हो जाएगा 20% आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इन जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, तो जितने क्वेश्चन हमने आपको आज कराए हैं इन सभी क्वेश्चन का आप रिवीजन जरूर करना, एक अच्छे क्वेश्चन थे पेपर में, ये आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये CGL में CGL के क्वेश्चन है, जो ये लास्ट वाला था CGL 2018 मेंस में आया था। ठीक है दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जय हिंद, धन्यवाद।